नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे हमारा एक नया व्यंजन। और आज का हमारा नया व्यंजन है या। जैसे हमने क वर्ग का पंचम अक्षर सीखा था अंग, वैसे ही ये च वर्ग का पंचम अक्षर है जिसे या बोलते हैं। और इस शब्द से, इस व्यंजन से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन दूसरे शब्द को बनाने के लिए या फिर बिंदु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उच्चारण है या, जैसे कि चंचल, पंजा, ये जो शब्द है उसमें जो बिंदु है या फिर जो या उच्चारण हो रहा है ये है या व्यंजन। इसे कोई भी शब्द नहीं बनता बच्चों, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे एयर राइटिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, एक कर्व बनानी है ऐसे, लेकिन ये थोड़ी अलग कर्व है, जैसे हम ज बनाते हैं ना उस टाइप से आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक स्लिपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लिपिंग लाइन। चलो हम लिखेंगे या फिर इसके सबसे पहले ट्रेसिंग करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लिपिंग लाइन। तो ये देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करोगे ऐसे कर्व बनाने के लिए, और यहाँ पर आपकी छोटी एक स्लिपिंग लाइन आएगी, ये स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा य व्यंजन, ठीक है। और इसी तरह से आपको आपकी जो 3-1 नोटबुक है उसमें भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर आप डेट मेंशन करोगे, 4 कॉलम्स बनाओगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा य व्यंजन। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक कर्व बनाना है और इसे टच नहीं करना है लाइन को। आप क्या करोगे, लाइन को टच नहीं करोगे, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लिपिंग लाइन। इसी तरह से नीचे भी ये बन गया हमारा य व्यंजन, य य। वेरी गुड, थैंक यू।